पहले भी बहुत बार इस प्रसंग को सुना होगा, लेकिन हम इसको एक बार सुनेंगे। इस प्रसंग को, इसको पूरा पढ़ पाना तो बहुत मुश्किल है पूरा जानना, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे। जब महाभारत की में पांडवों का वनवास चल रहा था, तो उस समय एक बार युधिष्ठिर इत्यादि पांडव सब लोग भटकते भटकते बहुत प्यासे हो गए थे। तो ऐसे प्यासे बहुत जगह घूमते घूमते एक सरोवर उनको दिखा। तो ये एकदम निश्चल सरोवर था। तो ऐसे सरोवर को देख करके ये इतने प्यासे थे, सब लोग जा करके जल पीने पीना चाह रहे थे। तो भीम सबसे पहले गए और भीम ने कहा कि मैं जाता हूँ सबसे ज्यादा सबसे जल पी करके और सबके लिए जल भरकर लेकर आऊंगा। लेकिन जैसे ही वो सरोवर में उतरे, त्यों ही एक यक्ष जो था वो प्रकट हुआ और यक्ष ने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, इसके बाद तुम पानी पीने की धृष्टता करना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो जो भीम था उसने सोचा, ये यक्ष, अरे हम देवताओं को भाव नहीं देते, हम तो देवताओं को भी भाव नहीं देते ज्यादा, ये यक्ष को हम क्या वैल्यू करेंगे, हमें कौन चैलेंज कर सकता है। तो भीम ने कहा कि हटो यहां से, और भीम ने उनको मना करके अंजलि में जल भरा और पी गए और तुरंत ही वहीं पर मूर्छित हो गए। बाकी भाइयों ने सोचा कि भीम इतने देर से नहीं आए हैं, तो फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव सब धीरे धीरे युधिष्ठिर के द्वारा आदेशित हुए और सब धीरे धीरे गए। लेकिन सबने यही सोचा कि अरे हम तो योद्धा हैं, ये यक्ष कौन सी चीज है, हम इनको हरा देंगे। तो फिर ऐसा सोच करके सब पानी पीने की जैसे ही चेष्टा किए, त्यों ही सारे के सारे क्या होते थे, मूर्छित हो जाते थे। फिर अंत में युधिष्ठिर महाराज वहां पर गए। युधिष्ठिर महाराज को उसने कहा कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो भक्त होता है, भगवान और सारी जो सृष्टि है उसके थ्रू उदाहरण प्रस्तुत करवाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, तो उस समय भी वो, अब आप एक वीडियो है, आप सब लोगों के लिए होमवर्क है, इसको कोई ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, भार्गव प्रभु अगर इसको ग्रुप पे अगर डाल दें, द फाइनल लेसन एक वीडियो है, जिसमें कि श्रील प्रभुपाद जब शरीर छोड़ रहे हैं, तो उस समय भी श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो भक्त के माध्यम से भगवान जो है उदाहरण प्रस्तुत कराते हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर को क्या क्या प्रश्न करता है यक्ष, तो जितने भी प्रश्न हैं हम सारे प्रश्नों पे आज चर्चा करेंगे। आपने मुख्यतः एक प्रश्न सुना होगा कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, लेकिन और भी प्रश्न पूछे थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यक्ष ने पूछा, हे युधिष्ठिर, सूर्य को कौन उदित करता है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि सूर्य को उदित करने वाला वास्तव में ब्रह्म तेज है भगवान का। जो भगवान का तेज है वो सूर्य को उदित करता है। सूर्य अपने से उसकी शक्ति नहीं है, जो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उससे वो उदित होता है। अगला प्रश्न यक्ष पूछते हैं कि इस पृथ्वी से भी भारी क्या है? पृथ्वी इतनी भारी है, लेकिन इससे भी भारी क्या है? तो यक्ष उत्तर देते हैं कि माता जो है वो इस भूमि से भी भारी है।
भूमि जो है वो धारण करती है, नरिश करती है, सारा कार्य करती है, इसके बदले कोई सेवा नहीं लेती। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ माता है और वो सबसे ज्यादा भारी है, पृथ्वी से भी भारी है। फिर यक्ष पूछते हैं कि आकाश से भी ऊंचा क्या है, इस संसार में आकाश से भी ऊंचा क्या है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि पिता जो है वो आकाश से भी ऊंचा है। अगला प्रश्न यक्ष पूछते हैं, क्योंकि जो आकाश से भी ऊंचा इसलिए है क्योंकि कितना भी कुछ भी हो जाए, जीव कितना भी कुछ भी कर ले, पिता हमेशा उससे बड़ा रहता है और सदैव ही उसको, पिता को हमेशा आदर बुद्धि से ही देखना चाहिए। वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, ये प्रश्न पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से। तो युधिष्ठिर ने बताया कि वायु से भी तेज चलने वाला मन है। फिर यक्ष ने पूछा कि इस संसार में जो घास फूस है, घास या तिनका है, ये बहुत ज्यादा है, अब इनसे भी संख्या में ज्यादा कौन है? जो घास है, देखो आप घास सब जगह रहते हैं ना, तो तिनके से भी ज्यादा अधिक संख्या में क्या है इस संसार में? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि इस संसार में तिनकों से भी संख्या में ज्यादा है मनुष्य के मन में आने वाली चिंताएं, कभी खत्म ही नहीं होती, एक एक आती रहती है चिंता, एक नई चिंता आती रहती है, और इतनी चिंता है हर एक व्यक्ति के अंदर करोड़ों अरबों चिंताएं हैं। ऐसे जितने भी जीव हैं सबके मन में चिंताएं हैं। तो कह रहे हैं कि इस संसार में तिनकों से भी ज्यादा किसी की संख्या है तो वो है चिंता। अब यक्ष पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, तो ये संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भौतिक संसार में सबसे बड़ा धर्म दया करना है, क्योंकि दया करने का मतलब यह है कि उसने कुछ नहीं दिया, दया के उस वो कुछ नहीं दे रहा था, फिर भी आपने उसके ऊपर दया किया। इस संसार में हर चीज कट्टम कुट्टम है, आप कुछ करोगे तो वो करेंगे, उनकी शादी में आपने पायल दिया, आपकी शादी में वो पायल देंगे, तो दया करना बड़ा श्रेष्ठ धर्म इस भौतिक संसार का माना जाता है, जिसमें खुद कुछ नहीं लेकर के कुछ दिया जाता है। अब अगला प्रश्न यक्ष पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, क्षमा करना धर्म भी, क्षमा करना भी तो धर्म है, तो सबसे बड़ी क्षमा क्या है, सबसे बड़ी क्षमा क्या है, क्या चीज को हम अगर क्षमा कर दें तो ये सबसे बड़ी क्षमा है? क्षमा का मतलब माफ कर दें, फॉरगिव कर दें, तो क्या चीज है? तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण, इन सब चीजों को सह लेना, इनसे ना प्रभावित होकर के भगवान के भजन में लगे रहना, सुख दुख आता रहेगा, लाभ हानि जीवन मरण ये आता रहेगा। तो कह रहे हैं कि सुख दुख लाभ हानि यश अपयश इन सब जो द्वंद हैं इनको सह लेना, ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ी क्षमा है। अब यक्ष यक्ष बहुत खुश हो गए, है ना, नहीं एकदम से बहुत प्रसन्न हो गए। और उसके बाद यक्ष अगला प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? और ऐसा शत्रु कौन, ऐसा शत्रु
शत्रु जो कि जीता ना जा सके। ऐसा कोई शत्रु है जो जीता नहीं जा सकता? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसा शत्रु क्रोध है, जिसको आज क्रोध को पहले तो शांत कर सकते हैं, लेकिन जिसको आ जाए फिर वो शत्रु, जो ये शत्रु क्या करता है, क्रोध कुछ ना कुछ हानि पहुंचाता है। तो ये सबसे दुर्जेय शत्रु है। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण यक्ष एक प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, इस संसार में ऐसी ऐसा कौन सा रोग है जो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, खत्म नहीं होता? ऐसा कौन सा रोग है? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि लोभ इस संसार का अनंत व्याधि है, खत्म नहीं होता। इसमें आप दवाइयां लेते रहेंगे, दवाइयां लेते रहेंगे, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, दवाइयां लेते रहेंगे। लोभ इस संसार का, जो व्यक्ति को भूख लगी हुई है, सब चीज मेरे लिए, लाओ लाओ पैसा, लाओ लाओ लाओ, सब मेरे लिए, मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास। जो व्यक्ति को ये भूख लगी हुई है, उसकी भूख कभी शांत नहीं होगी, और अगले जन्म में ऐसे व्यक्ति को चींटी का शरीर मिलेगा। जो लोभी बहुत होता है, उसको वो अपने शरीर से, अपनी आवश्यकता से अधिक लोगों के, दूसरे के अधिकार के ऊपर हड़प करके उसको ले करके रखता है, इकट्ठा करता है। चींटी इतना सा खाती है, लेकिन इतना चीनी इकट्ठा करती। तो ऐसे लोगों को पहले नरक ले जाया जाता है, वहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि चींटी के शरीर में क्या होगा, इनकी बढ़िया से पिटाई होती है, और उसके बाद फिर इनको चींटी के शरीर दे दिया जाता है। तो लोभ इस संसार की अनंत व्याधि है। ये भूख कभी खत्म नहीं होती, जो भी वस्तु आप प्राप्त कर लेंगे और भूख बढ़ती जाएगी, भूख बढ़ती जाएगी, और प्राप्त करना है, और लेना है, और लेना है, और इकट्ठा करना है। अगला प्रश्न पूछते हैं कि साधु कौन है? तो कहते हैं कि जो एवर वेलविशर हो, साधु वो है जो सबका हित ही करे। असाधु कौन है? किसको साधु नहीं माना जाएगा? जो अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं कर पा रहा है, उसको साधु नहीं कह सकते। इस संसार का सुखी व्यक्ति कौन है? यक्ष पूछते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जिसके ऊपर कोई कर्ज ना हो, और जो अपने कहीं परदेश में न रहे, अपने ही देश में रह रहा हो, और यथा लाभ जो कुछ भी मिल जाता है उसी से संतुष्ट होकर पकाकर खा लेता है, वही व्यक्ति सुखी है। मतलब संतोषी व्यक्ति ही सुखी है। इस संसार में जो भूखा व्यक्ति है, ये भी मेरा, अच्छा इसमें इसमें मेरा क्या फायदा, अच्छा इसमें मेरे पास आओ, लाओ लाओ लाओ, जो भूखा व्यक्ति है वो सुखी नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, कभी एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कभी ट्रेन में मर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग अभी जीवित हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं मरूंगा, मैं तो जीवित रहूंगा। ऐसा नहीं, प्लान ही ऐसा बनाते हैं कि मैं हमेशा जीवित रहूं। फिर यक्ष पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, कौन से रास्ते पे चलना चाहिए? युधिष्ठिर कहते हैं, तर्को अप्रतिष्ठा मतयो विभिन्ना नासाव ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम। बहुत सारे भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन जो महाजन महाजनों ये न गतः सपन्था, जिस रास्ते पर भक्त लोग चले हैं उस रास्ते पर चल के वो ही रास्ता सही है। अगला प्रश्न पूछते हैं यक्ष कि इस संसार में बातचीत क्या हो रही है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि इस संसार में तीन गुणों के द्वारा
तीन प्रकार के समस्याओं के द्वारा, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक, आध्यात्मिक के द्वारा, एक कड़छी से, इन तीनों कड़छी से एक कढ़ाई में सबको उलट पलट किया जा रहा है, इसी के बारे में लोग बातें करते हैं। कैसे किसी को आध्यात्मिक क्लेश हुआ, कैसे किसी को आदि भौतिक क्लेश हुआ, या आध्यात्मिक क्लेश हुआ, या फिर आदि दैविक क्लेश हुआ, या फिर उसका निस्तारण कैसे किया जाए, ये न हो कैसे किया जाए, यही सब वार्ता है इस संसार में। दिन रात यही बातचीत चल रही है। तो अब ऐसा हुआ तो यक्ष ने बोला कि राजन, तुमने तो हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, इसलिए तुम्हारे भाइयों में से मैं किसी एक को जिंदा कर सकता हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, नकुल को जीवित कर। तो नकुल, युधिष्ठिर, यक्ष ने बोला कि नकुल तो ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, भीम को क्यों नहीं आपने चुना, या फिर अर्जुन को? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी दो माताएं हैं, कुंती और माद्री। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र हैं। कुंती के पुत्रों में मैं जीवित हूं। कुंती जो है, कुंती के पुत्र हैं अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम। तो इनके पुत्रों में एक जीवित हूं, और मातृ के भी पुत्रों में एक जीवित रहेगा, इसलिए नकुल को जिला दी। तो फिर यक्ष समझ गया, और उसके बाद यक्ष ने सारे भाइयों को जीवित कर दिया। तो ये जो यक्ष हैं, ये स्वयं धर्मराज थे, जो कि युधिष्ठिर के धर्म की परीक्षा लेना चाहते थे। तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को, कई सारी चीजें हैं जिससे हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से, किस चीज, क्या चीज बातचीत हो रही है संसार में। हमको उस तरह का नहीं बनना है। और क्या आश्चर्य है इस संसार का, सुखी व्यक्ति कौन है? तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुनेंगे तो आपको सब याद रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं, आज हमने यक्ष के सारे ही प्रश्नों के ऊपर चर्चा किया महाभारत से, और इसके आगे भी हम कुछ कुछ कहानियां ऐसे लेते रहेंगे। मैं अभी सभी भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, और श्री रामचंद्र प्रभु मैं आपको होश करा रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडक प्रणाम। 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 अच्छा, एक और अनाउंसमेंट भी है कि अभी ये जूम में एडमिट करने वाला प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया है।